नमस्कार दोस्तों, जी फॉर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में एक मैं टेस्टिंग करूंगा, मैपिंग ड्रोन की टेस्टिंग विद आरटीके। जो आरटीके का बेस मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के साथ आज फ्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे स्टेबिलिटी रहती है, कैसी एक्यूरेसी होती है, कैसे पोजिशन की एक्यूरेसी होती है, पूरा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक देखिए, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है वीडियो में, तो उस ट्विस्ट को देखने के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये हमने जो इसका मॉड्यूल है आरटीका का मॉड्यूल, इसको हम फिट करेंगे, सेट करेंगे इस स्टैंड में, क्योंकि जितना स्टैंड ऊपर रखा जाएगा उतना उसकी पोजिशनिंग है, इसकी एक्यूरेसी है उतनी अच्छी आएगी। तो फटाफट हम क्या करते हैं, जो आरटीके का बेस मॉड्यूल है उसको हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डबल टेप की हेल्प से आरटीके का बेस मॉड्यूल फिट किया है, तो ये हमारा बेस मॉड्यूल यहाँ पे फिट हो गया है। अब इसको लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। अब हमने इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है, बेस मॉड्यूल को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। अब मिशन प्लानर को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। मिशन प्लानर को हम कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं उसको आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हम मिशन प्लानर को कनेक्ट करेंगे इस बेस मॉड्यूल के साथ। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, जब तक स्टार्ट हो तब तक हम क्या करते हैं, ड्रोन को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रोन का एक्चुअली अभी तक कोई बॉक्स बनाया नहीं है, इसलिए एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा था उसी में मैंने ड्रोन को रख दिया है। अब ड्रोन को फटाफट अनफोल्ड कर लेते हैं, बैटरी को फिट कर लेते हैं। बैटरी को फिट करने के बाद इसको ऑन करेंगे, तो फटाफट हम क्या करते हैं, बैटरी को फिट कर लेते हैं, प्रोपेलर सेट कर लेते हैं। ड्रोन हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब इसके आर्म को हम यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे। आर्म यहाँ पे देख सकते हैं हमने अनफोल्ड कर दिया है। इसकी एंटीना को हम सेट करेंगे, जो टेलीमेट्रिक एंटीना है उसको हमने सेट कर दिया। अब बैटरी को यहाँ पे हमने प्लग कर दिया है। बैटरी प्लग करने के साथ साथ अब क्या करेंगे, हम प्रोपेलर को उसमें लगा देंगे। प्रोपेलर हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये प्रोपेलर DJI का प्रोपेलर है, जो सेल्फ टाइटनिंग प्रोपेलर आती है। इंस्पायर सीरीज में ये प्रोपेलर का यूज़ होता है। अब प्रोपेलर यूज़ हो गया है, बैटरी भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब रिमोट को हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेडियो मास्टर का T16S रिमोट यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट में ही प्रॉपर टेलीमेट्री आ रही है यहाँ पे, कि GPS लॉइटर मोड पे है, GPS 15 है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आरटीके यूज़ किया है और टेलीमेट्री यूज़ किया है। तो आरटीके को कैसे हम सेट करेंगे, सबसे पहले सेटअप में जाके, एडिशनल हार्डवेयर में जाके यहाँ पे आरटीके को यूज़ करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद नीचे यूज़ बटन पे क्लिक कर देंगे। साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रीन आ गया, नीचे आरटीके का वैल्यू आ गया है। साथ ही साथ मैंने टेलीमेट्री को भी कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे टेलीमेट्री का डेटा हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आरटीके प्रॉपर आरटीके GPS आरटीके लिख के आ रहा है। तो टेलीमेट्री सेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने ड्रोन को आर्म कर दिया है, ड्रोन प्रॉपर आर्मिंग हो चुका है। अब इसमें हम आरटीके के साथ फर्स्ट फ्लाइट लेंगे, कैसा पोजिशनिंग आता है, एक्यूरेसी कैसी आती है, ये हम ट्राई करेंगे। ड्रोन हमारा क्रैश हो गया। ड्रोन क्यों क्रैश हुआ, थोड़ा सा उसको रिवाइंड करके हम देखेंगे ड्रोन हमारा क्यों क्रैश हुआ। तो मैंने इसको रिवाइंड किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं ड्रोन, ये इसका आर्म की वजह से क्रैश हुआ है। तो आर्म यहाँ पे ये हमने लॉक प्रॉपर लगाया नहीं था, ये मेरी सबसे बड़ी आज तक की गलती रही है। मैं ऐसी नॉर्मली गलती करता नहीं, पता नहीं कैसी गलती मुझसे हो गई है। अब इसको इसी गलती के कारण हमारा ये ड्रोन क्रैश हो गई है। देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे आर्म इसका अनफोल्ड हो गया, जिसकी वजह से ड्रोन क्रैश हो गया। चलिए कुछ बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ सोल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।